सोल्जर पिक्चर की तो हमने शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में की थी और काफ़ी सीन जो बाड़मेर राजस्थान में ही किए थे उसके भी शूटिंग बाड़मेर में किया था और टारजन द वंडर कार की फिल्म का शूटिंग मोस्टली अपन ने गोवा में किया था। सर आपसे एक बात और पूछनी थी, जैसे कि मेला फिल्म में जो टीनू वर्मा जाते हैं वो खास आपके भाई है? हाँ, वो मेरे बड़े भाई है, एक्शन डायरेक्टर है। अच्छा। उन्होंने काफ़ी फिल्मों में एक्टिंग किया है, माँ तुझे सलाम में किया है। हाय जोजो, हाउ आर यू? हाय, अरे कैसे हो भाई, और ये क्या चारों तरफ सिक्योरिटी? अरे कपूर अंकल, आप जिंदा है? अरे भाई, आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। ये बताओ मेरा दोस्त एंथनी कहाँ है? आपको पता नहीं, डैड तो चोपड़ा अंकल, सक्सेना अंकल और इंस्पेक्टर शर्मा के साथ चल। सोल्जर पिक्चर की तो हमने शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में की थी और काफ़ी सीन जो बाड़मेर राजस्थान में ही किए थे उसके भी शूटिंग बाड़मेर में किया था और टारजन द वंडर कार की फिल्म का शूटिंग मोस्टली अपन ने गोवा में किया था। पुणे में भी वो कॉलेज दिखाई गई थी? हाँ हाँ, काफ़ी लोकेशन ऐसे यूज़ करते, लेकिन वो टारजन द वंडर कार हम लोगों ने पूरा इंडिया में ही शूट किया था। और अपना दूसरा डिस्ट्रिक्ट का भी कोई सीन है क्या उसमें? नहीं नहीं, उसमें नहीं है दूसरा कोई मूवी। जैसे आपने 60 मूवियों में काम किया है, मैंने खुद एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा था जीसस क्राइस्ट की, तो मैंने यहाँ ही खुद मतलब खवा गांव जहाँ भी आप खड़े हो लोकेशन जी। आप बाद में शूट करके दिखाना, लोकेशन बहुत प्यारा है। तो जीसस क्राइस्ट का जो एंडिंग क्लाइमेक्स सीन था मैंने गाँव में शूट किया था। सर आपसे एक बात और पूछनी थी, जैसे कि मेला फिल्म में जो टीनू वर्मा जाते हैं वो खास आपके भाई है? हाँ, वो मेरे बड़े भाई है, एक्शन डायरेक्टर है। अच्छा। उन्होंने काफ़ी फिल्मों में एक्टिंग किया है, माँ तुझे सलाम में किया है, इसमें भी किया है अपना, वो डायरेक्टर भी है। अच्छा, और अच्छा। काफ़ी फिल्मों और ये सब मेरे बड़े भाई है, बड़े भाइयों के कारण ही मुझे पिक्चरों में रोल वोल मिल जाता था, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी नंबर वन एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं। ऐसे हम सात भाई हैं। सर जैसे कि आपने स्टार्टिंग में जैसे डायरेक्ट फिल्मों में काम किया था या फिर पहले एक्टिंग वगैरह सीखी थी स्टार्टिंग में आपने? नहीं नहीं, पहले मैं कोरियोग्राफर था, मैं कोरियोग्राफी करता था। पहले हमारे घर का होम प्रोडक्शन था वंश। अच्छा, पिक्चर अच्छा। में कोरियोग्राफी किया, फिर बड़े भाई साहब लोग ऑलरेडी डायरेक्शन और प्रोडक्शन में थे, तो फिर एक्टिंग में गया। फिर मैंने सोहेल खान की फिल्म किया था औजार, सलमान खान के साथ स्टार्टिंग में। सलमान खान को मैं हॉर्स राइडिंग सिखाता था, तो जब वो कैरेक्टर था ना मारवाड़ी रोल था एक ठाकुर जय सिंह का। अच्छा, अच्छा। तो वो रोल के लिए फिर मुझे बोला आप करोगे क्या, फिर मैं ठीक करूँगा। फिर बाद में फिर मैंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके अच्छा। किशोर नमित कपूर से मैंने मेरा कोर्स पूरा किया था एक्टिंग का। औजार की शूटिंग शायद ये सामोद में हुई थी शायद? हाँ, औजार फिल्म की सामोद और ये है ना चोमू पैलेस, वहाँ शूटिंग की थी। और मैंने बोल बच्चन की भी शूटिंग वहीं किए थे अपन ने, सामोद और ये है ना अपना चोमो पैलेस में। पढ़ाई भी सर आपने बम्बई में की? हाँ हाँ, पढ़ाई वढ़ाई सब मेरी बम्बई में हुई। ये हमारे मदन मना है, जो हमारे यहाँ के राव साहब ठाकुर साहब, ये महल के ओनर है और इन्हों के कारण हम दिवाली में आते जाते रहते हैं। ये हमारे गांव को बहुत अच्छे से रखते हैं और यहाँ के जितने भी पशु है उसका इलाज करते हैं। ये वेटनरी डॉक्टर है और इनका हमेशा हमारे पे काफ़ी प्रेम रहा है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, मतलब सब लोगों से और बच्चों से, जो न्यू जनरेशन है, जितने भी अपनी सरकार की जो धरोहर है, हिस्टोरिकल प्लेस है, प्लीज़ वहाँ बियर की बॉटल और ये गुटखा और ये सब खा के मत फेंकिए, क्योंकि ये हानिकारक है अपने जीवों के लिए जो वहाँ रहते हैं, एनिमल्स, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जहाँ रहते हैं। आप लोग बियर की बॉटल फोड़ के फेंक देते हो, गुटखा खा के कचरे के डब्बे के अंदर नहीं डालते हो, बाहर फेंक देते हो। तो प्लीज़ आप लोग से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें सब मिलके एकजुट पूरे देश को और क्लीनिनेस रखना है और आप अपने एनिमल्स को भी ध्यान रखना है। प्लीज़, थैंक यू।